हैं सर उनसे? हाँ मिलवा सकते हैं बिल्कुल। फिर हम लोग चले जाते हैं, 5 बजे का ट्रेन है। अच्छा सर, घर पर बोल के भी नहीं आया? चप्पल टूट गया है। अच्छा चप्पल टूट गया है। आपको किन से मिलना है सर? ऋतिक सर से। ऋतिक सर से आपको? ऋतिक सर से। अच्छा चलिए आप लोग को मिलाते हैं, आप लोग चलिए सर मिलवा। अच्छा एमआर सर से मिलना है? यस सर, बबुआ सर से। ऋतिक सर। अर्चित कुमार। कितने एक्साइटेड है इवेंट लेके? बहुत एक्साइटेड। आप? तनिष कुमार। किससे मिलना चाहेंगे? बबुआ उप्पी। आप? ऋतिक सर, बबुआ उप्पी और रक्षक सर। 165 किलोमीटर से सफर करके आए हैं। अच्छा 165 किलोमीटर से दरभंगा से? कल ही आए हैं। आज के बाहर में पूरा रात बिताए हैं। क्यों एम्स के बाहर में क्यों बिताए? रात में कहाँ रहते? स्टेशन पर चोरी उड़ी होने का डर था। कितने एक्साइटेड है बिहार के बच्चों से मिलने के लिए? सर मैं पहली बार बिहार आई हूँ और जैसे ही बिहार में पहुंची, मैंने पटना में आज सुबह कदम रखा तो सबसे पहले मुझे बच्चे मिलना शुरू हो गए थे। और जो एनर्जी है यहाँ की, मतलब कहीं कोई भी एरिया इंडिया का मैच नहीं कर सकता जो एनर्जी है बच्चों की बिहार में। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा। सर हम लोग बहुत एक्साइटेड है, दिख नहीं रहे हैं। अच्छा। बट यस वी आर वेरी एक्साइटेड। आप क्या बोलेंगे? सर मैं तो यही बोलूंगा कि जो बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं तो बहुत सारा प्यार लेकर आते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें भी यहाँ से एनर्जी मिलती है कि हम वापस जाके उसी एनर्जी के साथ पढ़ा पाएं बच्चों को। सर बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। जब से फिजिक्स वाला ज्वाइन किया है, मैंने सुना है कि भाई यूपी और बिहार का बहुत सारा बच्चा हमें बहुत प्यार देता है। अच्छा। तो बस बिहार का ये था कि भाई कई बार रिक्वेस्ट आती थी बच्चों की तरफ से कि टीचर आप आइए बिहार में, तो मौका मिला फाइनली आने का, तो पहली बार बिहार की धरती पर कदम रखा है, तो बस मैं तो भाव विभोर हूँ और बच्चों से मिल करके और ज़्यादा मज़ा आएगा। सर हमारी तरफ से मैसेज ये है कि खूब पढ़ाई करो और ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। पंकज सर? मेरा सर एक ही मैसेज है। क्या सर? तब तक के लिए ओके बाय। तब तक के लिए ओके बाय। जब क्या मैसेज? मैं बस यही कहूंगा कि जिस पैशन के साथ आप सारे टीचर्स को प्यार करते हैं उसी पैशन के साथ 2 साल बस लगे रहो। मजा आ जाएगा, रिजल्ट लाना है मेन और फिर हम साथ में खड़े होंगे शायद इंटरव्यू दे रहे होंगे। और ये अपनी रोलेक्स वाली घड़ी भी आपको दे। हेलो हेलो जुलूस आया है जी। हां सर चप्पल टूट गया सर। हां बच्चों का चप्पल टूट गया बाहर। मेरे पास नंबर है सर, कॉल किया सर से मुझे मिलाइए। चप्पल टूट गया तो मेरे से क्यों मिलाएगा भाई? हमारे साथ सारे स्टार फैकल्टी है पीडब्ल्यू के, तो हेलो मैम, वेलकम टू सुकेश सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कितने एक्साइटेड है बिहार के बच्चों से मिलने के लिए? सर मैं पहली बार बिहार आई हूँ और जैसे ही बिहार में पहुंची, मैंने पटना में आज सुबह कदम रखा तो सबसे पहले मुझे बच्चे मिलना शुरू हो गए थे। और जो एनर्जी है यहाँ की, मतलब कहीं कोई भी एरिया इंडिया का मैच नहीं कर सकता जो एनर्जी है बच्चों की बिहार में। बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप बिहार के बच्चों से? पहली बार मिल रही हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज्यादा जोश में हूँ बच्चों से मिलने के लिए। आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। ओके। आप कितने एक्साइटेड हैं बिहार के बच्चों? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मतलब शोर यहाँ तक सुनाई दे रहा है तो बस अब इंतजार खत्म हो जाए, बस एक बार जल्दी से बच्चों से मिलना है। ऐसे बच्चे थे मैं जब मिल रहा था, बिहार के डिफरेंट डिफरेंट जिले से आए हुए और रात में ही आ गए और आज वो कहीं पे वेट कर रहे थे और अभी यहाँ आए। बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान थे आप लोग से मिलने के लिए। बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत 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 ज़्यादा मेहनती हैं, तो एक बच्चों का प्यार है जो हम लोगों ने कमाया है और वही है कि आज वो हम देखने जा रहे हैं कि बच्चे कितना हम लोगों से अटैच है, उतना ही एक्साइटेड हम लोग हैं जितना बच्चे एक्साइटेड है। फर्स्ट टाइम आपका? मेरा फर्स्ट टाइम है पटना में। कैसा लगा बिहार? बहुत अच्छा लगा और अभी बच्चों से मिलने का इंतजार है और भी इंतजार है कि भाई कैसा जाने वाला है पूरा फेज। अच्छा इवेंट के बाद भी मिलेंगे हम? बिल्कुल। थैंक यू। इंतजार कर रहे थे हर अलग अलग जगह पे, इंतजार कर, बहुत एक्साइटेड है सर। आप लोग कितने एक्साइटेड है सर? सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर हम लोग बहुत एक्साइटेड है, दिख नहीं रहे हैं बट यस वी आर वेरी एक्साइटेड। क्या अभी कचोरी खाई ना इस वजह से? अच्छा अभी कचोरी। पर हाँ बच्चों का इतना प्यार देखकर सर शब्द हमारे पास है नहीं बोलने के लिए। बच्चे लोग इतना प्यार करते हैं, आप लोग को बिहार में ना रोक ले सर, आने वाले टाइम में आप लोग बिहार में ही रह के पढ़ाए। बिल्कुल सर, काफी लोग बिहार में आके रुक रहे हैं बट उनका कुछ होगा नहीं। अच्छा। तो हमें हमें अगर रोक लेंगे तो अच्छी बात है, देखते हैं सर वो बच्चों का डिमांड है। अच्छा सर आप क्या बोलेंगे? सर मैं तो यही बोलूंगा कि जो बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं तो बहुत सारा प्यार लेकर आते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें भी यहाँ से एनर्जी मिलती है कि हम वापस जाके उसी एनर्जी के साथ पढ़ा पाएं बच्चों को। बच्चों को पढ़ाएं। सर एक क्वेश्चन जो है सर, अलग सर बिहार नहीं आए, सर बिहार के बच्चे को प्यार की कमी हो गई क्या? नहीं नहीं, अलग सर बिहार आ चुके हैं, एक बार उनका इवेंट भी हुआ था बिहार में। अच्छा। पहले हो चुका उनका इवेंट। अच्छा बच्चों से मिले हैं सर? बच्चों से मिले हैं, बच्चों से मिलते रहते हैं अलग सर, और अगर अलग सर यहाँ नहीं है इसका मतलब ये है कि वो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अच्छा सोच रहे हैं। बिल्कुल। आप क्या कितने एक्साइटेड हैं सर? सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, मतलब मेरी बहुत समय से मनोकामना थी। अच्छा पटना आने की, बिहार आने आज पूरी हो गई। आज पूरी हो गई। आज पूरी का सर तो 4-5 बार आ गए। मैं तो जब बोलोगे तब आ जाऊंगा। अच्छा पंकज सर का इलाका है, वीजा ऑन अराइवल है इनका। अच्छा तो बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत मजा आ रहा है, बस वेट कर रहे हैं अब जल्दी जाते मिलने के लिए बच्चों। मिलने के बाद ही पूछेंगे सर कैसा लगा, क्योंकि असली तो फीडबैक तभी मिल पाएगा। बिल्कुल सही बात। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा और क्या अभी क्या बोला था आपने? सपना, मेरा भी सपना था बिहार। अच्छा, आपका भी सपना था? मेरा भी सपना था, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ। इन्होंने कल्पना बोला होता कल्पना तो कल्पना
कल्पना से याद आया, एक वजह और है मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत दिनों के बाद आरुषि से मिलने का मौका मिलेगा। पटना की है, मैंने सुना है कि भाई यूपी और बिहार का बहुत सारा बच्चा हमें बहुत प्यार देता है। अच्छा। तो बस बिहार का ये था कि भाई कई बार रिक्वेस्ट आती थी बच्चों की तरफ से कि टीचर आप आइए बिहार में, तो मौका मिला फाइनली आने का, तो पहली बार बिहार की धरती पर कदम रखा है, तो बस मैं तो भाव विभोर हूँ और बच्चों से मिल करके और ज्यादा मजा आएगा। आज पता लगा बबुआ सर कौन है, उनके बर्थडे भी है सर। हैप्पी बर्थडे। अच्छा, कल है, कल इनका था, कल इनका है, कल आपका बर्थडे के साथ है, बिल्कुल बीच में रिलेटेड हैप्पी बर्थडे हो गया यहां एडवांस सर। एडवांस में हैप्पी बर्थडे सर। हमारी तरफ से मैसेज ये है कि खूब पढ़ाई करो और ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। पंकज सर, मेरा सर एक ही मैसेज है, क्या सर? तब तक के लिए ओके भाई, तब तक के लिए ओके भाई, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहे हो। नहीं, मतलब ये मैसेज है कि जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी को, जी जी, तो ये बड़ी लंबी जर्नी होती है, तो इसको शुरू से लेकर आखिरी तक फॉलो करना है। और जो पीडब्ल्यू विद्यापीठ पटना है, यहाँ पर फैकल्टी बहुत औसम है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा। और बहुत बढ़िया सिस्टम है यहाँ का। अच्छा। और सबसे ज्यादा बच्चे पीडब्ल्यू पटना में अभी इस समय। सर मेरा एक लाइक इस कमेंट पे, यही मेरा सेम था। अच्छा, यही भूल गया था थोड़ा सर, कवर कर दिए सर। आप क्या मैसेज? मैं बस यही कहूंगा कि जिस पैशन के साथ आप सारे टीचर्स को प्यार करते हैं, उसी पैशन के साथ 2 साल बस लगे रहो, मजा आ जाएगा। रिजल्ट लाना है मेन, और फिर हम साथ में खड़े होंगे, शायद इंटरव्यू दे रहे होंगे, और ये अपनी रोलेक्स वाली घड़ी भी आपको देंगे। अच्छा, रिजल्ट लेके सर की घड़ी मिल जाएगी, रोलेक्स वाली। रोलेक्स नहीं भाई। अच्छा, आप सर बस खूब मेहनत करो, मजे लेके साथ पढ़, मजे के साथ पढ़ते रहो सर। बस 2 ही साल का ये टाइम है मेहनत करने का बच्चों का, तो खूब दवा करके मेहनत करो भाई, और बिहार का नाम इसी तरीके से रोशन करते रहो, और देश का नाम भी रोशन करते रहो। भारत माता की जय। जय बिहार, जय बिहार। सर बच्चे बहुत एनर्जी खत्म करने वाले, इसीलिए सर खा के तैयार हो रहे हैं। सर तीसरा डिब्बा है ऐसा, जो भी अभी ये वीडियो देख रहा है सब छोड़ो, जाके पढ़ाई करो, बहुत यूट्यूब चला लिया है, पढ़ाई करो। चलो अलग अलग जिले से आए। जी सर, सर चप्पल टूट गया सर, बच्चों का चप्पल टूट गया बाहर। मेरे पास नंबर है सर, कॉल किया सर से, मुझे मिलाइए। चप्पल टूट गया तो मेरे से क्यों मिलाएगा भाई? डेढ़ दिन पहले आया हूँ। उनका ये कहना था हमारी चप्पल टूटी है, हमारे साथ मिलने आए थे, हमारे साथ चप्पल दिलवाएंगे। तू दिलवा देता भाई, बुला ले। हाँ, दिला दूंगा सर, मैं तो बोल दिया। लेकिन सर मिलना तो आपसे है ना सर? मिलेंगे मिलेंगे। अभी सर बुला ले। हाँ बोले, किसको? उन बच्चों को, सबको। यहाँ कैसे बुलाएगा? इवेंट के बाद बुला लेना। इवेंट के बाद। अच्छा,
अरे बहुत बढ़िया मजा आ गया, आपने नहीं देखा? अरे बहुत तगड़ा मजा आया।
बहुत बहुत ही अच्छा रहा, मतलब उम्मीद से ज्यादा बच्चों ने प्यार और सम्मान दिया, हमेशा याद रहेगा। आप लोग आ जाइए प्यार, दोबारा जरूर आएंगे बच्चों से मिलने, बच्चों का प्यार जरूर वापस लेकर आएगा हमको। कैसा था सर? सर बहुत अमेजिंग था, बट बहुत बुरा लग रहा है, सबसे कनेक्ट नहीं कर पाया मेरा, एक्चुअली रुकने का बहुत मन है, बट थोड़ी देर में फ्लाइट है तो निकलना पड़ेगा, बट थैंक यू सो मच, मुझे तो बहुत मजा है सर, बहुत सारी चीजें और भी चीजें मैं ला नहीं पाया, इमोशनल अलग हो रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डन है, पक्का है।